तरह से सहयोग करने वाली है। प्रवीण, अगर आप सुन रहे हो, फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग उसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है, जिसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबाद यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आने से मंत्री रावदेव प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को स्पॉट पर रवाना किया, 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह पहले सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके, जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपये प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी उन्हें दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि जल्दी जल्दी आग पे काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना का हम घटना के बाद इस पर जो जो प्रबंधन हो सकते हैं वो सब प्रबंधन में लगे हुए हैं। तो आपने सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो ये कह रहे हैं कि मुआवजा राशि तो हम देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो लोग घायल हैं उनके इलाज की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार उठा रही है और आगे भी उठाते गएंगे। और साथ ही साथ बाबा महाकाल से इस बात की कामना कि कहीं भी किसी प्रकार की जनहानि की सूचना जो है वो आगे बढ़े ना, सभी पूरी तरह से स्वस्थ हों, इस बात की कामना की जा रही है। इसलिए प्रवीण हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रवीण, मुख्यमंत्री की जो बात है वो भी आपने सुनी है, अपडेट बताइएगा। चलिए, शायद फोन कट गया उनका, प्रयास करेंगे दोबारा से उनसे बातचीत हो पाए, क्योंकि वही हैं जो लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। उनकी तरफ से भी यह अपडेट सामने आई है कि आग पर कुछ हद तक काबू पाया गया है। ब्लास्टिंग जो हो रही थी वो कुछ इलाकों में निरंतर चल रही है, लेकिन बहुत बड़े हिस्से पर आग के काबू पा लिया गया है, क्योंकि फैक्ट्री के कुछ ऐसे इलाके जो कि मलबे में तब्दील हो चुके हैं जलकर, वहां तक SDRF की टीमें अभी तक पहुंच पाई हैं। वहां पर जो लोग मौजूद थे उनकी दशा कैसी है वो समझने का प्रयास किया जा रहा है। महज झुलसे हैं या जान गवाई है ये पता लगाने का प्रयास चल रहा है। बहुत हद तक इस आग पर काबू पाया गया है, ये एक ताज़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा दें। मुआवजा राशि का ऐलान हो चुका है, हेलीकॉप्टर्स से भी एयरलिफ्ट किए जाने की बात, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मुख्यमंत्री कह रहे थे। और सेना की मदद भी ले ली है, केंद्र सरकार को भी अवगत करा दिया है कि अगर कहीं भी सहायता की जरूरत हो तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये राज्य सरकार की तरफ से पहले ही बातचीत हो चुकी है। तो आंकड़ा बढ़ा है मौत का, ये एक और अपडेट हम आप तक पहुंचाएं। 11 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आती हुई, कई ऐसे लोग हैं जो उस फैक्ट्री में मौजूद थे, उनका निकल पाना शायद संभव ना रहा हो इस भीषण आग के चलते, इसलिए वो बहुत बुरी तरह से झुलसे और 11 लोगों की मौत। धीरे धीरे कर जब टीम अंदर पहुंच रही है फैक्ट्री में, तब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस कोने में कौन मौजूद था, क्योंकि मलबे में तब्दील हो गई है पूरी फैक्ट्री, किसी को ढूंढ पाना भी अभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि घटनास्थल की जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि कितने बड़े स्तर पर, कितना बड़े दायरे में ये आग फैली और ब्लास्ट के बाद लगातार ब्लास्टिंग चल रही थी और इसी के चलते स्थिति और ज्यादा बिगड़ती चली गई। सहयोगी प्रवीण एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। प्रवीण, आग पर काबू पाया गया है बहुत हद तक, ये आप बता रहे हैं, अब सेना को मदद के लिए बुलाया गया है, वो कब तक पहुंच सकते हैं? प्रशासन की ये हम ऐसे हादसे के समय ये बात नहीं लगी, प्रशासन ने यहाँ अपना काम सही तरीके से किया, इसके कारण इतनी भयावह आग थी उसके बाद भी उन्होंने उस पर काबू पा लिया।
और यहाँ पर जो घायलों को जो है जिला अस्पताल यहाँ पर भेजा गया है, घायलों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर खंडवा और देवास की भी एम्बुलेंस यहाँ पर आ गई है। कलेक्टर का ये कहना है इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई के प्रकरण दर्ज करने की बात यहाँ कलेक्टर ने की है। ठीक है, और जानकारी इस ओर भी है कि हेलीकॉप्टर्स की मदद से एयरलिफ्ट भी किया जाना है या सेना के पहुंचने को लेकर अभी जानकारी शायद सामने आई है। मुख्यमंत्री भी चूंकि कह रहे थे रुकूंगी मैं आपको यहाँ पर, प्रवीण लौटूंगी मैं आपके पास। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो शायद हेलीकॉप्टर्स के जरिए ली गई है या ड्रोन के जरिए ली गई है, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये तस्वीरें जरूर बताती है कि वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है, मंजर क्या है इस आग का। ये तस्वीरें रहवासी क्षेत्रों की, फैक्ट्री में आग लगी और जिस प्रकार से प्रवीण भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बहुत हद तक काबू पा लिया गया है, तो शायद उसी प्रकार का मंजर यहां पर देखने को मिलता है। और बहुत सराहनीय काम प्रशासन की तरफ से हुआ है, क्योंकि अगर बहुत बड़े स्तर पर आग लगी होती है तब आप पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए ये देखिए हेलीकॉप्टर से ये तस्वीरें ली गई हैं जिसमें आप देखेंगे मंत्री उदय प्रताप सिंह को भी यहाँ पर बैठे हुए, जिन्हें भेजा सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। एरियल व्यू ये समझने का प्रयास कि किस स्तर तक यहाँ पर हानि हुई होगी, और फैक्ट्री का तो नामो निशान नहीं है तस्वीर में, ये भी आप देख पाएंगे। राव उदय प्रताप सिंह अब नीचे पहुंचकर अब लगातार ये जानकारी लेने का प्रयास करते हुए आपको नजर आने वाले हैं कि आखिर किस स्थिति में यहाँ पर दुर्घटना हुई और अब मौजूदा हालात क्या है, आंकड़ा क्या है उन लोगों का जो इस दुर्घटना में बुरी तरह से जिन्हें हानि हुई है। ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर्स के हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एरियल व्यू जिसमें ये जानने को मिलता है कि जो फैक्ट्री यहां पर स्थिति पटाखा फैक्ट्री जो थी अब वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, क्योंकि इतनी भीषण आग और इतना भीषण विस्फोट के फैक्ट्री का नामो निशान तक नहीं बचा है। राज्य सरकार के मंत्री फौरन पहुंचने वाले हैं, जानकारी लेंगे कि भाई किस प्रकार की स्थिति है, क्योंकि देखिए अब आग पर तो पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, अब एक बड़ी चुनौती यह है कि जहां पर जो मौजूद था उसे ढूंढा जा सके, उनका पता लगाया जा सके कि भाई कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे, कौन कौन मौजूद था, क्या रहवासी क्षेत्र में जब आग फैली तब वहां पर भी किसी प्रकार का नुकसान हुआ है क्या, क्या वहां पर भी जनहानि हुई है क्या। तो ये तमाम चीजें हैं जिस बात का जायजा आप खुद मंत्री जी को लेना है। हाल ही में ये जो तस्वीर सामने आई है वो ये बयां करती है कि अगर ब्लास्टिंग के चलते इस पूरे इलाके में आग फैली होगी, क्योंकि आप बहुत दूर से इन तस्वीरों को देखते हैं जब आप एरियल व्यू देखते हैं तो, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर बहुत ज्यादा व्यापक होता है और इसी के चलते ये स्थिति आपकी टीवी स्क्रीन पर दोनों ही नजारे हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी इसकी जांच होगी, किसकी कमी है, किसकी गलती है, और जो दोषी है उनको सजा भी मिलेगी। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो ये बयां करती है कि जो फैक्ट्री यहां पर स्थिति वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम आप देख रहे थे उन्हें, वो भी कह रहे थे कि स्थिति नियंत्रण में करने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं, लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो मदद है वो पहुंचाई जा सके सबसे पहले। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दोनों ही मंजर जो ये बताते हैं बहुत ही भीषण हालात आग से पहले और आग के बाद के हैं, दोनों ही तस्वीरें।